पुराने कीमती कपड़े, चाहे वो खुद की शादी के हो या फिर किसी की शादी पे हम लोग बनवाते हो, कीमती जोड़े हम लोग बहुत बार नहीं पहन पाते, फिर वो बिल्कुल भी यूज में नहीं आते। तो मैंने अपनी शादी का एक जोड़ा निकाल लिया है, तो पुराने जोड़े पे काफी जरी का काम किया गया। अगर ये जरी का काम मैं करवाने जाऊंगी तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। तो मैंने सोचा मैं एक ऐसा फैब्रिक लूंगी, और शादी विंटर्स में होने वाली तो मैं विंटर फैब्रिक ही लूंगी, और अपने पुराने जोड़े का सारा काम निकाल कर हम एक नए फैब्रिक पे उसको हम एप्लीक करने वाले। मेरा फैब्रिक डन हो गया, कलर भी मेरा डिसाइड हो गया। तो गाइज जस्ट 550 रुपए में मेरा ऐसे शर्ट का फैब्रिक जो डन हो गया, क्योंकि दुपट्टा और बॉटम में पुराना ही यूज करने वाली हूँ। मैं पहुंच गई हूँ टेलर के पास, और टेलर मास्टर का मूड मुझे देखकर हमेशा ही खराब होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि हमेशा कोई पुट्ठा काम लेकर आएगी। लेकिन मैंने उनको समझा दिया है कि सारा काम जो है नए फैब्रिक पे एप्लीक करना है, कौन सा थ्रेड यूज होगा, कितना कलर और कितना मोटा चौड़ा बॉर्डर इसको हमने लगाना है, सब कुछ मैंने उनको बता दिया। लेकिन थोड़ा सा टेलर मास्टर का जो कॉन्फिडेंस है डगमगाता मुझे नजर आया, लेकिन मुझे तसल्ली दी कि ड्रेस बहुत अच्छा बनेगा, 2 दिन का टाइम लिया। आपके साथ साथ मुझे भी वेट करना है पार्ट 2 का।